मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ यू बेटा? आई एम फाइन। हमने चैप्टर फोर स्टार्ट किया था। चैप्टर फोर था हमारा द पैट्रियो एंड द डेजर्ट रीजन। आपने इसमें पैट्रियो पठार के बारे में और डेजर्ट रेगिस्तान के बारे में डिस्कस किया था। हमने साउथर्न पैट्रियो के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड, द डेक्कन पैट्रियो के बारे में, रिवर्स इन द पैट्रियो रीजन। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा टॉपिक है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसकी क्लाइमेट, वेजिटेशन, लाइफ के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 28। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा हम। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड लैक ऑफ फर्टाइल सॉयल द पॉपुलेशन इन दिस एरिया इज आल्सो स्मॉल। तो क्या कहते हैं ये, सब बच्चे ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा एसएसटी का पीरियड है, क्लास फोर्थ है, सब्जेक्ट एसएसटी का है, लेसन फोर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम लिखेंगे हम द प्लेटो एंड द डेजर्ट रीजन। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण, द लैक ऑफ फर्टाइल सॉइल और उपजाऊ मिट्टी की कमी के कारण द पॉपुलेशन इन दिस एरिया, इस एरिया में जनसंख्या बहुत ही कम है। मैनी पीपल इन द डेजर्ट लीड ए नोमैडिक लाइफ। यहाँ पर जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। ओके स्टूडेंट, दे आर कॉल्ड बंजारास, उन्हें बंजारास कहा जाता है। द कैमल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर जो ऊँट है वो यातायात के साधन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट? कैमल। कैमल्स हैव पैडेड फीट एंड कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर। कैमल्स के जो पैर होते हैं ऊँट के, वो गद्देदार होते हैं और वो कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रेगिस्तान में चल सकते हैं, वे लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है। हाउएवर देयर आर प्लेसेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, कहते हैं देयर आर प्लेसेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एंड फॉर्म ए पूल। कहते हैं वहाँ पर कई स्थान ऐसे भी हैं जो फिर अंडरग्राउंड नीचे पानी भरा होता है और उसे वहाँ पर एक पूल बन जाता है। दिस पूल इज कॉल्ड एन ओसिस, और इस पूल को क्या कहते हैं? ओसिस कहते हैं। विलेज कम अप अराउंड दिस ओसिस, और यहाँ पर इस जहाँ पर ये पानी का जो छोटा सा पूल बन जाता है जिसे ओसिस कहते हैं, यहाँ पर कुछ गांव बस जाते हैं। टेक पाम, बबूल, कीकर एंड थॉर्नी श्रब्स ग्रो हियर। यहाँ पर खजूर, पाम के पौधे, बबूल के, कीकर के और कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। द इम्पॉर्टेंट सिटीज हेयर आर जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। यहाँ के महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। द पीपल ऑफ दिस रीजन वियर कलरफुल क्लोथ, यहाँ के लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं। द ब्यूटी ऑफ द डेजर्ट अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अबाउट। ब्यूटी ऑफ द डेजर्ट, इस रेगिस्तान की जो सुंदरता है अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को इंडिया से और बाहर के देशों से। दिस रीजन हैज़ आल्सो ए नंबर ऑफ फोर्ट्स, यहाँ पर कई किले हैं एंड प्लेस महल हैं बिल्ट बाय द राजपूत किंग्स एंड चीफ। यहाँ पर कई जो महल हैं वो राजपूत और राजाओं ने बनाए हैं। ओके स्टूडेंट, तो सब बच्चे चैप्टर रीड करें, 2 मिनट्स हैं आपके पास।
ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम रीडिंग ले लेते हैं। सब बच्चे रीडिंग जरूर लें। वंस अगेन, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड लैक ऑफ फर्टाइल सॉइल द पॉपुलेशन इन दिस एरिया इज आल्सो स्मॉल। मैनी पीपल इन द डेजर्ट लीड ए नोमैडिक लाइफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे आर कॉल्ड बंजारास। द कैमल इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स of transportation. It is also called the ship of the desert. Camels have padded feet and can walk long distance without food and water. Water is scarce in the desert. However, there are places where underground water comes to the surface and form a pool. This pool is called an oasis. Village come up around these oases. Date, palm, babur, kikar and thorny shrubs grow here. The important cities here are Jaisalmer, Jaipur, Ajmer, Jodhpur and Bikaner. The people of this region wear colorful clothes. The beauty of the desert attracts many tourists from India and abroad. This region has also a number of forts and palaces built by the Rajput kings and chieftains. Did you know me? Dekhi fact hai, Jaipur is called the pink city as buildings in the city are pink. बड़ा हम भी गए थे घूमने जयपुर, तो हमने भी वहाँ देखा था। जयपुर में सारे की सारे बिल्डिंग्स ही पिंक कलर की हैं, इसलिए उनको पिंक सिटी का नाम दिया गया। तो विच सिटी इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी? जयपुर। ओके स्टूडेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सब देख बच्चे देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं और राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली। बच्चे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने बुक अच्छे से रीड की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर आपका पता है 28। वाई पॉपुलेशन desert small? Answer is due to shortage of water and lack of fertile soil. In this area is small. Second question is, moving one place to another. They are called Banjaras. Next question is, camel. Camel means moon.
Why camel is called ship of desert? Ship of desert. रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा? Camels have padded feet. Padded feet मतलब गद्देदार पांव. Can walk long and walk long distance without food and water. Okay, friends. Water. बच्चे रीडिंग मिलेंगे इन क्वेश्चंस की. जब तक आपको चैप्टर क्लियर होगा तभी आप कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं. राइट केयरफुली दिस क्वेश्चन. पेपर अच्छे से लर्न करें. असाइनमेंट जितने भी लिखवाए हैं वो भी रिवाइज कर लें. फोर्थ क्लास कैपिटल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको ये मैचिंग के रूप में भी अच्छे से क्लियर करने हैं. जो भी चैप्टर के बीच में ट्रू फॉल्स हैं आपके
कैपिटल हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके मैचिंग के रूप में भी हो सकता है, फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में भी हो सकता है, जंबल वर्ड के रूप में भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने माइंड से अच्छे से क्लियर करें। जैसे आपको एक क्वेश्चन क्लियर कि हुई शिकोटेज कैमल क्वेश्चन में भी आ गया, अगर यही मैं मैचिंग के रूप में दे दूँ शिप ऑफ डेजर्ट इज कॉल्ड, आपको मैच में दे दिया कैमल तो आपको वहाँ मैच करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में दे दूँ हुई द शिप ऑफ डेजर्ट डैश तो आपने भर दिया कैमल। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। सब अच्छे ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब बच्चे ध्यान से लिखें, सब बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका। Which city is called the Pink City? Which city is called the Pink City? Thank you.
इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ राजस्थान? जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। तो बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट कैरफुली, और इन क्वेश्चंस को भी लर्न करें। इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी? जयपुर। विच इज एन ऑसिस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस? स्टेप पर पानी आ जाता है एंड फॉर्म में पूल, एक पूल बनाता है। दिस पूल इज कॉल्ड एन ऑसिस। नेम सम ट्रीज दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। डेट पाम, बबूल, कीकर, थॉर्नी बुशेज एंड श्रब्स। नेम सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ राजस्थान। जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। ओके स्टूडेंट, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, जल्दी से जल्दी बुक्स अरेंज करें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटर, टेक केयर।